hello everybody how are you i hope you all are fine so again this is anarinder kaur your computer and gk teacher on the behalf of paramount public school beta today i'm coming here with the chapter fifth of fourth class okay before starting this video beta i'm telling you one thing i'm using hindi as well as english in this video let me start hanji beta. open page number 61 चैप्टर फिफ्थ एंड टूडेज टॉपिक इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एंड इंटरनेट कोनेक्शन ओके यू रिक्वायर द हार्ड फॉलिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कनेक्ट यूर कम्प्यूटर विद द इंटरनेट ओके बेटा ये सभी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आपको बताए गए हैं यू फॉलिंग दीज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट यूर कम्प्यूटर विद इंटरनेट फर्स्टली मॉडर्न मॉडर्न इज द बेसिक हार्डवेयर नीड टू गेन असैस द इंटरनेट It is a connector to the computer using the wire or wirelessly. Therefore, different types of modem, such as a cable modem, telephone modem, wireless modem, depending on the types of the internet service you are using. Modem can be either internal or external. An internal modem is a fitter inside the computer, whereas the external modem is a placed outside the computer. The speed of the modem is a measured in the BPS. ओके मॉडर्म बेटा मॉडर्म इज अ बेसिक हार्डवेयर विच इज अ नीडेड ओके नीडेड टू गेन द असेस इंटरनेट अगर आपने इंटरनेट का कनेक्शन असेस करना है इंटरनेट को असेस करना है तो मॉडर्म जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट ओके इट इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर यूजिंग द वायर्स और वायरलेसली अगर आप अपने कंप्यूटर को इसके साथ कनेक्ट करते हो तो ये जो मॉडर्म है आपको वायर केबल uh, मॉडम भी मिल सकता है और वायरलेस मतलब जिसकी वायर नहीं होती है जैसे पिक्चर में आप देख रहे हो दिस इज अ वायरलेस मॉडम ओके इसके डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडम्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिनमें केबल मॉडम टेलीफोन मॉडम वायरलेस मॉडम ओके ये डिपेंड करता है बेटा इंटरनेट सर्विस यू आर यूजिंग कौन सी सर्विस आप इंटरनेट की यूज करते हो वैसे वे डिपेंड करता है आपको वायरलेस चाहिए ठीक है केबल मॉडम चाहिए या फिर टेलीफोन मॉडम मॉडम्स आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ मॉडम्स होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरनल होते हैं जो कि फिट होते हैं इनसाइड द कंप्यूटर ठीक है वेयर इज एक्सटर्नल इज अ प्लेस्ड आउटसाइड द कंप्यूटर जैसे ये आउटसाइड है ठीक है काफी होते हैं मॉडर्म जो इंटरनल मॉडर्म होते हैं जो एक चिप होती है वो कंप्यूटर के अंदर ही उसकी फिट हो जाती है दीज द स्पीड ऑफ दीज मॉडर्म इन द बी मतलब कि जो मॉडर्म की स्पीड है वो बिट पर सेकेंड के हिसाब से मयर की जाती है ओके नेक्स्ट इज एन इंटरनेट कनेक्शन द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग द इंटरनेट कनेक्शन टू योर कंप्यूटर जो बेटा इंटरनेट सर्विस हमें प्रोवाइड करती हैं वो कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ठीक है ठीके? जो कि हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं इसके लिए क्या करना पड़ता है द आईपी The ISP will offer you different internet plans and charge fees for the same. Okay, to ओके तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको काफी सारे प्लान्स देते हैं जिनकी चार्ज फीस होती है ठीक है जैसे आ, कहते हैं कि अगर आप टू month का pack डलवाते हो तो आपको इतना जी बी फ्री दिया जाएगा उसकी इतनी आपको फीस उसका इतना चार्ज फीस आपको देना पड़ेगा दे सेंड देअर टेक्नीक टू योर प्लेस टू सेट अप द इंटरनेट कनेक्शन जब आप उसकी फीस चार्ज फीस पे कर देते हो तो आपके प्लेस पे उसकी जो टेक्निक है इंटरनेट का जो कनेक्शन है वो आपको सेंड कर देते हैं नेक्स्ट इज बेटा डाटा ट्रांसफर मीडिया दिस इज अ मीडियम ऑफ द चैनल विद डाटा इज अ ट्रांसफर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ट्रांसफर मीडिया कैन बी कैटराइज एस जो बेटा डाटा ट्रांसफर मीडिया है ठीक है इसमें क्या होता है डाटा ट्रांसफर डाटा को ट्रांसफर किया जाता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक वो किस किस तरह से किया जाता है ठीक है कौन कौन से मीडिया के थ्रू किया जाता है जैसे वाइड द मीडियम ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन थ्रू द अटैच्ड फिजिकल केबल एग्जाम्पल फोन टेलीफोन लाइन जैसे आप फ़ोन पे बात करते हो एक दूसरे के साथ तो विद द हेल्प ऑफ फोन लाइन आप जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हो कम्युनिकेशन इज़ अ डाटा फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ तो आपकी बात एक दूसरे तक पहुँच रही है तो यहाँ पे जो फिज़िकली केबल के साथ हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है जो हम एक्सचेंज कर रहे हैं अपनी इन्फॉर्मेशनस को वो क्या है वाइड ठीक है एंड वायरलेस क्या होता है द मीडियम ट्रांसफर इंफॉर्मेशन ओवर द एटमोस्टफेयर विदाउट यूजिंग द फिजिकल केबल जैसे कहीं के हम इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं जैसे आपका टेलीफोन मोबाइल हो गया ठीक है ये वायरलेस है मोबाइल क्या हो गया वायरलेस और यहाँ पे आप जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हो तो यहाँ पे एटमोस्टफेयर का क्या मीनिंग है बेटे जैसे कई बार क्या होता है कि आपको आ, आपका सिग्नल सही नहीं आ रहा ठीक है या फिर क्या होता है कि वेदर सही नहीं है तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर नहीं बन रहा तो डाटा ट्रांसफर कैसे कैसे कर सकते हो वायर भी है और वायरलेस भी है ठीक वायर है वायर्ड है विद हेल्प ऑफ फिजिकल केबल्स वायरलेस है जैसे आप फिजिकल केबल्स को यूज़ नहीं करते हो आपके मोबाइल फोनस हैं for example when you access internet on your computer by using the data card or when you use your mobile phone to access the internet you use wireless transmission media i hope that you understand this video and this concept basic requirements for an internet connection following these basic requirements and you can get the internet connection thank you